लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में कुल्लू में कांग्रेस सेवा दल ने बुधवार को तिरंगा यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नेतृत्व में सेवा दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रामशिला से ढालपुर तक रैली निकाली। रैली में सदर के विधायक सुंदर ठाकुर सहित कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुल्लू में कांग्रेस सेवा दल ने बुधवार को सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस मौके पर सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने बताया कि तिरंगा मिशन का उद्देश्य पूरे देश में नफरत को भगाना और फिर से प्यार की बुनियाद को रखना है। उन्होंने कहा कि मोदी ने जुमलाबाजी कर देश का चरित्र हनन किया है और पिछले 5 सालों में देश में सांप्रदायिकता का माहौल है। उन्होंने भाजपा पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि देश पहले लड़ा गोरों से, अब लड़ेगा चोरों से। उन्होंने कहा कि जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस की विचारधारा पूरे देश में बनी थी और आज़ादी में कांग्रेस सेवा दल की अहम भूमिका रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए हैं और सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब देश का मतदाता जागरूक है और भाजपा को इस बार लोकसभा चुनाव में जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी और चारों सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी। इस यात्रा का संदेश पूरे देश में नफरत को भगाना, डर को भगाना और फिर से प्यार की बुनियाद रखना, ये विशेष हम इस तिरंगा यात्रा से संदेश दे रहे हैं। और साथ ही साथ पिछले 4.5 वर्षों में देश में जो एक सांप्रदायिकता का माहौल, एक डर का माहौल और जिस तरह से जुमलेबाजी, बड़ा जुमला परिवार बीजेपी ने इस देश के चरित्र के साथ हनन किया है, ये सब संदेश लेके हम बूथ स्तर तक जा रहे हैं। इसी विषय पर संदेश यात्रा रखी जा रही है। मंडी लोकसभा का ये हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद 28 तारीख को शिमला पार्लियामेंट का नाहन में और कांगड़ा पार्लियामेंट का कांगड़ा में 29 तारीख को और उसके बाद 2 तारीख को हमीरपुर पार्लियामेंट में ये तिरंगा संदेश यात्रा निकाली जा रही है। किस तरह पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, क्योंकि जब हिंदुस्तान में आज़ादी दिलवाई गई और कांग्रेस विचारधारा के साथ पूरे देश में एक माहौल बना था, कांग्रेस से बदल के एक अहम भूमिका रही थी, उसी तरह से ये जो एक डर का माहौल और जुमलेबाजी का माहौल और एक जो स्वप्न दिखाए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो एक भी जो वादा वो पूरा नहीं कर पाए और आज शहादतों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।